हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आता है 5 क्वेश्चंस बैंकिंग एग्जाम में, तो उसके बारे में। तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलिए मेरे चैनल को, ताकि आपको रेगुलरली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। एंड मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे मैं डेली क्विज दे रहा हूँ, हर दिन नए नए क्वेश्चन, लेटेस्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसका सॉल्यूशन भी दे रहा हूँ, तो आप वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन होता है, 5 क्वेश्चन जो आते हैं हमेशा, तो उसका ये जो ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, इस हिसाब से इक्वेशन होते हैं। तो यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब है यहाँ पे कि कोई भी वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 होता है, तो उसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसमें से एक्स का या वेरिएबल का वैल्यू जो होता है, 2 वैल्यू निकलते हैं, वही 2 वैल्यू हमें निकालना। तो हमारे पास 2 ही रास्ते होते हैं, एक तो होता है फॉर्मूला डाल के हम कर सकते हैं, और दूसरा वाला है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो स्प्लिटिंग तो ज़्यादातर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म ही हम करते हैं, क्योंकि वो जल्दी आंसर देता है। फॉर्मूला डाल के भी कर सकते हैं। फॉर्मूला जो होता है एक्स का, जो दो वैल्यू होता है अल्फा एंड बीटा, उसके बारे में जो हमारा फॉर्मूला है माइनस बी प्लस और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 है। तो यहाँ पे एक बार हमें प्लस एक बार माइनस ना, बी ए सी हमको मालूम है, यहाँ पे बी सी है, तो ये डाल के भी हम आराम से एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। पर उससे अच्छा होता है कि हम स्प्लिटिंग करें। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ कि सॉल्व कैसे करते हैं। तो ज़्यादातर बच्चों को तो ये मालूम है, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा जल्दी करने का ट्रिक्स बता रहा हूँ। यहाँ पे स्कूल की तरह नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर, ये एक्स एंड ये सी। तो यहाँ पे हम ये जो होता है ए होता है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब ए हो गया आपका 1। तो बी यहाँ पे -14 एंड सी यहाँ पे 48। तो इस तरह से क्वेश्चन है। तो हमें यहाँ पे एक्स के जो 2 वैल्यू निकालने, उसके लिए क्या करना होगा, हमें यहाँ पे मालूम चल गया कि ए कौन सा है, बी कौन सा है, सी कौन सा है। तो चलते हैं आगे। तो यहाँ पे आपको बस 2 ही नंबर सोचने होंगे, जिसको ऐड करने से हमें बी यहाँ पे जितना होता है उतना होगा, एंड वही 2 नंबर को मल्टीप्लाई करने से ए इंटू सी जितना होता है उतना होगा। तो यहाँ पे ए तो 1 ही है, कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है। सी यहाँ पे 48 है। तो यहाँ पे ए एंड सी का मल्टीप्लिकेशन 48 हो रहा है, एंड बी जो एडिशन में -14 हो रहा है। तो आप तो ये सोच सकते हैं कि कौन 2 नंबर को ऐड करने से -14 होगा एंड मल्टीप्लाई करने से 48 होगा। ये तो बहुत आसान सा चीज़ है कि मल्टीप्लाई करने से 48 होता है, तो वो तो हमारे पास 6 × 8 है, तो एक होता है 6, एक होता है 8। पर यहाँ पे भी हम 6 और 8 लिखेंगे, तो यहाँ पे एडिशन करने से यहाँ पे -14 आना चाहिए, पर यहाँ पे तो +14 हो रहा है, इसका मतलब -6 और -8। तो -6 + -8 = -14 और -6 × -8 = +14। तो इस तरह से आपको 2 नंबर मिल गए, जिसे ऐड करने से मल्टीप्लाई करने से जो चाहिए हमें बी एंड ए सी मिल गया। तो यहाँ पे क्या करना होता है, जो आपको मिला -6 और -8, उससे हमेशा ए में डिवाइड करना होता है। ए मतलब यहाँ पे जो लिखा है, यहाँ पे ए कितना है, यहाँ पे ए हो गया 1 है यहाँ पे, तो 1 ही डिवाइड करना है एंड साइन चेंज कर देना है। यहाँ पे नेगेटिव है तो पॉजिटिव, डिवाइड करने के बाद या डिवाइड करने से पहले जो भी कर, तो साइन चेंज हो जाएगा, उल्टा रिवर्स हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस होगा, प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू निकल गया 6 और 8। तो बहुत आसान चीज़ है। तो आपको 2 नंबर सोचने होंगे कि जिसको ऐड करने से बी होगा, मल्टीप्लाई करने से ए सी होगा, फिर दोनों का साइन चेंज करेंगे एंड ए डिवाइड करेंगे वहाँ पे, बस इतना ही है। तो बहुत आसान सी चीज़ है। तो और एक एग्जांपल मैं झट से ले रहा हूँ आपके लिए, 2x² + 5x - 18। तो यहाँ पे ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। तो 2 नंबर हमें सोचना होगा जो उसे ऐड करने से बी, मतलब यहाँ पे 5 होना चाहिए प्लस में, एंड मल्टीप्लाई करने से 36 होने चाहिए, वो भी माइनस में, क्योंकि 2 × -18 36 यहाँ पे, -18 है यहाँ पे। सो ऐसा कौन सा नंबर है जिसे मल्टीप्लाई करने से -36 एंड ऐड करने से 5? तो सोच लीजिए, किसे ऐड का नहीं सोचना है, पहले सोचना है किसे मल्टीप्लाई करने से 36 होता है, जिसका डिफरेंस या सम हमेशा 5 होना चाहिए। तो वही नंबर है 9 और 4। तो हमें मिल गया 9 और 4 का डिफरेंस भी एंड मल्टीप्लाई भी, हमें जो चाहिए वो मिल गया है। तो यहाँ पे साइन देखना होगा पहले, क्योंकि मल्टीप्लाई करने से हम नेगेटिव होना चाहिए
एंड ऐड करने से 5। इसका मतलब ये होगा प्लस, ये होगा माइनस। तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई करने से -36, ऐड करने से +5। तो हमें मिल गया कि एक हो गया 9 एंड एक हो गया -4। अब क्या करना है, ए डिवाइड करना है। ए यहाँ पे कितना है, 2। 2 यहाँ पे डिवाइड कीजिए, यहाँ पे डिवाइड कीजिए एंड साइन चेंज कर दीजिए। तो यहाँ पे +4.5 आ रहा है, तो ये हो जाएगा -4.5 एंड ये हो जाएगा +2। माइनस था, ये प्लस हो गया, ये प्लस था, ये माइनस हो गया। तो एक सा वैल्यू निकल गया, एक हो गया 4.5 माइनस में और एक 2 प्लस। तो इस तरह से सॉल्व किया जाता है। बाकी हमें तो मालूम है यहाँ पे दो ठोक इक्वेशंस होते हैं, एक एक्स का, एक वाई का, दो वेरिएबल का होता है यहाँ पे। सो दो इक्वेशन में हमें कंपेयर करना होता है, जिससे हम ये जो ऑप्शंस होते हैं अपने यहाँ पे लिखा हूँ मैं, एक्स ग्रेटर देन वाई, एक्स लेस देन वाई, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, एक्स लेस देन इक्वल टू वाई, रिलेशन कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड एंड एक्स इक्वल टू वाई, इस पांच ऑप्शंस होते हैं। तो पहले हमें वो भी जान लेते हैं कि कब किसे लेना होता है। थोड़ा सा मैं एग्जाम्पल यहाँ पे दे रहा हूँ कि जब एक्स का हमें दो वैल्यू निकाले हैं, वाई का भी हम दो वैल्यू निकालें, तो इसमें से इस ऑप्शन में से कौन सा जाएगा। तो पहला ऑप्शन जो है x ग्रेटर देन y कब होगा, जब x का दोनों वैल्यू, जो दो वैल्यूज होते हैं, वो दो वैल्यू y के दो वैल्यू से बड़े होना चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पहला वाला 6 जो है वो 3 एंड 4 दोनों से ज़्यादा है, एंड ये जो 7 है x का सेकेंड वैल्यू, वो भी y के दो वैल्यू से 3 एंड 4 से ज़्यादा है। मतलब x का दोनों वैल्यू y के दोनों वैल्यू से ज़्यादा होना चाहिए, तभी हम ले सकते हैं कि x ग्रेटर देन y। दूसरा, तो उस तरह से x लेस देन 2y कब होगा, जब ये हो गया 8 एंड 9, मतलब y का दोनों वैल्यू 8 भी 6 एंड 7 से ज्यादा है, 9 भी 6 एंड 7 से ज्यादा है, मतलब यहाँ पे हो जाएगा y ग्रेटर। तो कंप्लीटली ग्रेटर होना चाहिए, इसका मतलब नहीं कि एक ग्रेटर होगा एक नहीं होगा, इस तरह से नहीं हो सकता। तो मैं वो भी दिखा रहा हूँ यहाँ पे, एक हो गया यहाँ पे 5 है, यहाँ पे एक 9 है। इसका मतलब देखिए 9 जो है वाई का, ये दोनों से ज्यादा है, पर ये 5 ज्यादा नहीं है, तो इसका मतलब y कुछ टाइम बड़ा होता है x से, और यहाँ पे देखेंगे 6 है, यहाँ पे 7 है, ये दोनों इससे ज़्यादा है। मतलब कुछ केसेस में x बड़े होते हैं, कुछ केसेस में y बड़े होते हैं। मतलब यहाँ पे x कम्प्लीटली y से बड़ा नहीं है, या y भी x से कम्प्लीटली बड़ा नहीं है। तो यहाँ पे हम कौन सा ऑप्शन लेते हैं, रिलेशन कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड या कैन नॉट बी डिटरमाइंड, जो भी होता है वहाँ पे। तो कम्प्लीटली बड़ा होना चाहिए या कम्प्लीटली छोटा होना चाहिए। वो बाकी 3 ऑप्शन जो वहाँ पे है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू y, वो भी हमें यहाँ पे दिखा देता हूँ कि यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है। तो y का जो वैल्यू निकला है वहाँ पे एक 2 है और एक 1 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो x का पहला वैल्यू 5 है, तो इससे कंपेयर होगा, इससे भी कंपेयर होगा, तो हम देख सकते हैं कि 5 जो है यहाँ पे बड़ा हो गया। 5 जब 1 पे कंपेयर करेंगे तो भी वो y से ग्रेटर ही है। जब हम ये सेकेंड वैल्यू x को कंपेयर करेंगे तो वहाँ पे x इक्वल टू y हो रहा है, एंड यहाँ पे जब कंपेयर करेंगे तो x ग्रेटर देन y हो रहा है। तो इसका मतलब क्या आ रहा है कि x इज ग्रेटर और इक्वल टू, तो x यहाँ पे ग्रेटर हो रहा है या इक्वल हो रहा है, छोटा नहीं हो रहा है, x बड़ा ही हो रहा है या इक्वल हो रहा है। तो इस तरह से 3 ऑप्शन आ जाएगा। 4 ऑप्शन भी सिमिलरली आएगा, जहाँ पे y बड़ा हो रहा होगा या x से सेम हो रहा होगा। तो इस तरह से ऑप्शन हम लेना है। तो बहुत छोटा सा चीज़ है ये समझने के लिए, तो मैं और एक चीज़ बता रहा हूँ। तो कंपेयर करने के लिए हमें x एंड y का दोनों वैल्यू कंपेयर करना होता है। तो मैं छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे ले रहा हूँ आपके लिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन से मैं यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ। पहला इक्वेशन है 3x² -17x +24 इक्वल टू 0, एंड दूसरा वाला जो है 2y² -5y -33 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे पहले तो हमको वो दोनों चीज़ सोचना होगा। पहले मैं x के बारे में सोच रहा हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट ले लेते हैं यहाँ पे। तो ऐड करने से होगा 17 नेगेटिव में, मल्टीप्लाई करने से 72। तो ऐड करने से कितना होगा -17, मल्टीप्लाई करने से कितना होगा +72। कौन सा नंबर है हमें तो मालूम है कि प्लस करने से -17, मल्टीप्लाई करने से 72 9 एंड 8। तो हम यहाँ पे लिखते हैं -9 एंड -8, दोनों को ऐड करने से -17, मल्टीप्लाई करने से +22। फिर क्या करना होता है, नहीं इसको a में डिवाइड करना होता है 3 एंड यहाँ पे 3,
फिर साइन चेंज करना होता है, तो 9/3 एंड 8/3, तो ये हो गया। तो उसी तरह से यहाँ पे x वैल्यू निकल गया। अब y का उस तरह से निकालेंगे, y का यहाँ पे लिखा है कि ऐड करने से b मतलब -5, तो ऐड करने से -5 होगा, ऐड करने से -5 मल्टीप्लाई करने से 2 × -3 = 66, -66। तो ऐसा कौन सा दो नंबर है जिसे मल्टीप्लाई करने से -66 एंड ऐड करने से -5? 11 और 6, 11 और 6। तो यहाँ पे होगा -11 और +6, तो देखो मल्टीप्लाई करने से -66 आ गया, ऐड करने से -5 आ गया। अब क्या करना होता है, ए डिवाइड करना होता है, तो यहाँ पे भी 2 डिवाइड करेंगे, यहाँ पे भी 2 डिवाइड करेंगे, तो इस तरह से साइन चेंज भी कर लेंगे, तो 11/2 हो जाएगा ये पॉजिटिव में, ये हो जाएगा 6/2 नेगेटिव में। तो इस तरह से हमें मिल गया वाई का वैल्यू, दो वैल्यू मिल गया हमें यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करना होता है कि जब हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे फ्रैक्शन से, तो हमें कंपेयर करने के लिए थोड़ा टाइम लग सकता है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप कि यहाँ पे जो ए 3 है एंड यहाँ पे जो 2 है उसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो वहाँ पे आप इसे डिवाइड करके भी कर सकते हैं डेसिमल में लेके, पर मैं बता रहा हूँ यहाँ पे जब दोनों में ही आपको कुछ ए वैल्यू वहाँ पे, तो क्वेश्चन ये था -9 -8 आया था, तो ये 3 और 2 यहाँ पे डिवाइड होना था, तो मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो ये जो 3 है x का जो 3 है a, तो इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे एंड y का जो 2 है a, उसे x वाले वैल्यू में मल्टीप्लाई कर लेंगे। मतलब 3 एंड 2 का एलसीएम 6 दोनों में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कैंसिल होने के बाद यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, तो ये हो गया -18। तो साइन चेंज हो जाएगा, +18 हो जाएगा, ये -18 -16, तो +16 हो जाएगा। तो y का वैल्यू आ जाएगा, ये माइनस था, इंटू 3 करने से ये हो जाएगा -33, पर हो जाएगा +33। तो ये 6 × 3 +18 था, ये हो जाएगा -18। तो इस तरह से साइन मैंने यहाँ पे चेंज कर लिया दोनों में। अब हम आराम से कंपेयर कर सकते हैं ये से ये वाला। तो यहाँ पे हम दिख रहा है कि ये 18 एंड 66 दोनों 33 से छोटे हैं, पर मतलब यहाँ पे x छोटा हो गया, पर यहाँ देख सकते हैं कि y का सेकेंड वैल्यू इन दोनों से छोटा है, मतलब यहाँ पे x भी बड़ा हो रहा है, y भी बड़ा हो रहा है, इसका मतलब आंसर हो जाएगा रिलेशन कैन नॉट बी एस्टैब्लिश, पास का आंसर आ जाए। तो इस तरह से कंपेयर कर लेते हैं। तो जब यहाँ पे कुछ नंबर्स होते हैं तो ये डिवाइड करने के जगह हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे एंड 3 यहाँ पे, तो ये x का 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ, y का जो a था 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ। तो यहाँ पे डिवाइड करने की जरूरत नहीं, a का जो डिवाइड होता है वो मैं सॉल्व करने के लिए बता रहा था कि सॉल्व करने से ये करना पड़ता है, बट कंपेरिजन करने के लिए फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए। तो इसके मतलब आप इसका जो a होता है इसका वैल्यू में मल्टीप्लाई कीजिएगा एंड इसका 3 इस पर मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, तो आपको फ्रैक्शन में कंपेरिजन करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत आसान सा चीज़ है, आप देख लिए। तो मैं फिर से और एक लास्ट एग्जांपल ले रहा हूँ, 4x² + 13x - 12 = 0, और एक 3y² - 13y + 14 = 0। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली x एंड y का वैल्यू लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो x का देखेंगे तो ऐड करने से 13 एंड मल्टीप्लाई करने से 48, मतलब 16 और 3, तो +16 और -3, तो ऐड करने से हो गया +13, मल्टीप्लाई करने से हो गया 48। तो अब क्या करना है, इसमें से मल्टीप्लाई करना होगा y का a, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई कीजिएगा एंड साइन चेंज कीजिएगा, -48 और +9, ये हो गया x का वैल्यू। तो मैं इसका जो a था इसमें मल्टीप्लाई कर लिया और मैं यहाँ पे 4 नहीं डिवाइड कर रहा हूँ, बताया था मैंने। अब y का देख लेंगे उस तरह से, तो y का यहाँ पे ऐड करने से -13 एंड मल्टीप्लाई करने से 42, तो ये होता है 6 और 7, तो एक होता है -6 एंड एक होता है -7, तो -6 + -7 हो गया -13, मल्टीप्लाई करने से +42, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे x का जो a होता है 4, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है एंड साइन चेंज करना है, तो ये हो जाएगा +24, माइनस था प्लस हो गया, ये भी माइनस था +28, तो अब इसे इसके साथ कंपेयर करना होगा। तो यहाँ पे भी क्लियरली देख सकते हैं कि 48
इन दोनों से छोटा है, 9 इन दोनों से छोटा है, तो क्लियरली आंसर हो गया x इज लेस देन y। तो इस तरह से आप आराम से क्वेश्चन जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको मैनुअली कुछ करना नहीं। मैं दिखा रहा हूं कि आपको बस इतना ही लिखना है, बस दो लाइन लिखना है एंड कंपेयर करना है, क्लियर। तो ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, और एक ट्रिक दिया हूँ और एक वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जहाँ पे आप कुछ 2 सेकंड में भी आंसर निकाल सकते हैं, वो देख सकते हैं मेरे और एक वीडियो में। तो आप ज़रूर मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल बटन पे हमेशा क्लिक कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, एंड इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कीजिए, मैं हर दिन आपको नए नए क्वेश्चन, लेटेस्ट क्वेश्चन देता हूँ, क्विज देता हूँ वहाँ पे एंड सोल्यूशन भी देता हूँ वहाँ पे, ठीक है।